एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पहले के क्लास में हम लोग वन पास्ट और मेनी के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसमें कि हम लोग राजा रानी या फिर जो हर्डर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनके लाइफ में क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस किए। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू डेट्स मीन। तो जो डेट हम लोग आज यूज कर रहे हैं वो कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ है उसके बारे में देखते हैं। इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग। अगर हम लोग आज अगर हम लोग को कोई कुछ पूछता है कि आज का डेट क्या है, तो हम लोग ऑब्वियसली बोलेंगे कि आज 10th ऑफ जून है, या फिर आज 9th ऑफ जून है, या फिर आज 9th जून 2021 है। तो हम लोग डेट, डे, मंथ और ईयर तीनों को मिला के बोलते हैं। सो दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। तो जो ईयर हम लोग यूज करते हैं कि आज जो कि 2021 ईयर है, या फिर लास्ट डेट 2020 था, तो ये जो ईयर हम लोग मेंशन करते हैं वो जीसु ख्रिस्ट के जन्म होने के ईयर से उसको काउंट किया गया है। मतलब जिस साल जीसु ख्रिस्ट जन्म हुए थे उस साल को जीरो लिया गया था, और उसके बाद से 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट होते होते आज हम लोग 2021 में पहुंच चुके हैं। तो जीसु ख्रिस्ट, जिसको कि तुम लोग जानते हो, जो कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी है, तो उनके जन्म के ईयर के बाद ही ईयर का काउंट होना शुरू हुआ था। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ ख्रिस्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग 2000 ईयर अगर मेंशन करते हैं, 2000 के बाद फिर 2001, फिर 2002, ऐसे करके आज हम 2021 में पहुँच चुके हैं। तो उसका मतलब है कि जीसु ख्रिस्ट जन्म होने के बाद इतना साल गुजर चुका है, मतलब 2021 साल गुजर चुका है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ ख्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC और बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन। तो जीसु ख्रिस्ट के जन्म होने से पहले क्या था, अगर सोचोगे कि अगर जो ईयर है वो जीसु ख्रिस्ट के जन्म होने के बाद शुरू किया गया, तो उनके पहले जो मतलब साल होता ही नहीं था, या फिर लोग जो डेट था वो कैसे बोलते थे। तो जीसु ख्रिस्ट के जन्म होने से पहले सभी डेट को बैकवर्ड काउंट किया जाता है। बैकवर्ड का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि जीसु ख्रिस्ट के जो साल जन्म हुए, अगर उसको हम लोग जीरो के हिसाब से लेते हैं, तो उनके पहले के ईयर को हम लोग बोलेंगे 1 BC, उसके बाद 2 BC, देन 3 BC, देन 4th BC, ऐसे होके वो काउंट होता जाएगा। तो 1 BC मतलब बिफोर ख्रिस्ट। तो बिफोर ख्रिस्ट का जो ईयर होता है, तो वो 1 मतलब अभी का, और हम लोग बोलेंगे कि 10 BC, या फिर 2060 BC, या फिर 2250 BC, तो उसका मतलब होता है जीसु ख्रिस्ट के जन्म होने के पहले 200 साल पहले। ठीक है, जैसे कि जो किंग अशोक होते हैं उनको अगर हम लोग देखेंगे, तो जो कलिंग वार हुआ था वो किंग अशोक, राजा अशोक और कलिंग के बीच में हुआ था, तो वो 261 BC को हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। उसका मतलब होता है कि जीसु ख्रिस्ट जन्म होने के 261 ईयर पहले वो वार हो चुका था। जीसु ख्रिस्ट के अगर साल को जीरो पकड़ेंगे, तो कलिंग वार उससे 200 साल पहले हो चुका था। ठीक है, अभी समझे कि बीसी का मतलब क्या है, वो उसका होता है बिफोर क्राइस्ट। मैं बुक में फिर दिखा गया लेटर्स विथ डेट्स। तो बीसी जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बीसी बोलते हैं, वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, यू विल समटाइम्स फाइंड AD। अगर तुम लोग हिस्ट्री में कभी कुछ साल देखोगे, तो जो ईयर हम लोग बाद में यूज करते हैं, तो उसको AD के हिसाब से यूज करते हैं, मतलब 157 AD, या फिर 1014 AD। तो AD का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है अन्नो डोमिनी। तो अन्नो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब यीशु ख्रिस्ट का साल। समटाइम्स CE इज यूज इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC। तो जो लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन एरा। तो BC और AD के बदले में और भी दो वर्ड यूज किया जाता है। तो BC के बदले यूज करते हैं BCE, जो कि बिफोर कॉमन एरा, और AD के बदले यूज करते हैं CE, जो कि कॉमन एरा जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एल्सवेयर। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर के साथ साइंस दिखाया गया है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत सारे पिक्चर के साथ एंशियंट टाइम का साइन मिलता है, जिसको कि वो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो साइन है वो क्या कहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे दो साइन यहाँ पे मिला है जो कि इजिप्ट से आर्कियोलॉजी को मिला था। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम द इजिप्ट, ए कंट्री इन द नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स एगो। तो इजिप्ट जो कि नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है, जिसमें कि 5000 साल से पहले राजा और रानी वहाँ पे रहते थे। आज से अगर 5000 साल पहले से ही वहाँ पे राजा रानी रहते थे।
तो वहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है रोजेटा। तो रोजेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉच फाउंड विच कंटेन इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है वो रोजेटा टाउन से मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। यहाँ पे कुछ स्टोन पे कुछ इंस्क्राइब किया गया था जो कि 3 लैंग्वेज में उस पर लिखा गया था। एक था ग्रीक लैंग्वेज और 2 लैंग्वेज वो इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर आउट दैट द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस वर एनक्लोज्ड इन ए लिटिल फ्रेम कॉल्ड ए कार्टोच। तो यहाँ पे राजा और रानी का जो नाम है उसको भी इंस्क्राइब किया गया था। देन दे देन प्लेस्ड ए ग्रीक एंड द इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड। तो जो स्टोन मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे राजा और रानी का नाम इंस्क्राइब करके लिखा गया था एक छोटे से फ्रेम में जिसको बोलते हैं कार्टोच। उसके बाद उनके साइट में कुछ ग्रीक और इजिप्शियन साइंस दिया गया था। एंड यहाँ पे देख सकते हो एक लायन वहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि एल को दिखाता है एंड ए बार फॉर ए। तो यहाँ पे जो बार दिखा गया उसको ए के हिसाब से लिया गया है और जो लायन दिखा गया उसको एल के हिसाब से लिया गया है। वांस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शन एज वेल। तो अगर एक बार पता चल जाए कि ये जो साइंस है वो कौन कौन से लेटर को डिनोट करते हैं फिर उसका मतलब क्या है तो ऐसे इंस्क्रिप्शन को पढ़ना ईजी हो जाता है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर के बारे में।